बाइट ले लेते ना आप सुशासन दिवस मनाया गया है तहसील सालोवाल में। यहाँ कार्यक्रम खरोली भिंडर का था और कंबल भिंडर का था, उसमें आप सभी आए हुए उसी का स्वागत करता हूँ और अभिनंदन करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हर व्यक्ति एक वो जीवन जी रहा है जो पिछली सरकारों से अच्छा बेहतर से भी अच्छा है। पहली सरकार से लूट पाट चोरी डकैती माँ बहन बेटी हमारी सुरक्षित नहीं थी। आज भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में आदरणीय मुख्यमंत्री योगी जी के शासनकाल में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी के शासनकाल में आज एक बेटी भी स्कूल जा रही है तो व्यक्ति घटा उसे निशोकोच मैं धर के ये कह देता है कि मेरी बेटी घर लौट के आएगी शादी पढ़ाई करने के बाद। एक माँ हमारी खेत में रोटी लेके जा रही है उसे पता है उसमें चिल्लो क्या हो गई। ये शासनकाल आदरणीय योगी जी का है आदरणीय मोदी जी का है। पिछली सरकारों में हमारी माँ बहन बेटियां सुरक्षित नहीं थी। पिछली सरकारों में गुंडाराज और जंगलराज था। आज सभी शांति जिंदगी जी रहे और जिस गरीब आदमी को भूखा न रह सके ऐसा हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आदरणीय मुख्यमंत्री योगी जी किस महीने के अंदर दो योजना ऐसी चली जिसके मुझे दो बार फ्री राशन मिलता है गरीब व्यक्ति को भूखा न रहे। हर घर को नल और नल से जल ये भी केंद्र की योजना चली है और काफी गाँव में नल लग भी चुके तो हर घर से नल और नल से जल ये भी हम लोग प्रदान कर रहे हैं। हमारी सरकार में कोई गरीब भूखा न रहे अंतिम व्यक्ति के व्यक्ति को से आराम लाभ मिलना चाहिए ये हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के ऐसे उनकी सोच थी। आज सब पूर्ण करने के लिए आदरणीय मोदी जी आदरणीय योगी जी उसे पूरे निर्वाह कर रहे हैं। तो मैं इतना ही कहूंगा आप लोगों से ज्यादा नहीं कहते हुए अब कोरोना काल आ चुका है और उसे दस्तक दे दिए हम लोग ज्यादा से ज्यादा अपना बचाव करें मास्क का प्रयोग करें वैक्सीन न लगी हो तो वैक्सीन ले पाए। हर सीएससी में वैक्सीन उपलब्ध है कहीं किसी मरीज को दिक्कत नहीं आएगी और कोई दिक्कत परेशानी आए तो आपकी एजेंसी बहुत बढ़िया आती है बहुत अच्छे अधिकारी हैं गरीबों को न्याय दिलाते हैं और मैं भी खुले से कहता हूँ एजेंसी जैसे ऐसा तहसील में सभी प्रशासन बहुत बढ़िया है। सभी हमारे जो सम्मानित लाभार्थी हैं घरौनी वितरण संबंधित सभी किसान सभी अन्य लाभार्थी आप सभी को मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ तहसील टीम की तरफ से और हम आशा करते हैं कि ऐसे ही कार्यक्रम निरंतर होते रहे और व्यवस्थित कार्यक्रम हो अच्छे कार्यक्रम हो आप सभी का स्वागत हो बहुत बहुत धन्यवाद। उसका सुशासन दिवस मनाते हुए तहसील में गए थे कंबल वितरण और घरौनी वितरण का प्रोग्राम तो यथास्थिति में बात वो भी सर गरीब लोग कोई भी ठंड से नम परेशान हो हमारी सरकार
अन्न देती हुई चली आ रही है मोदी जी और योगी जी, फ्री राशन सरकार दे रही है, आज कंबल भी वितरण करने आया था। सर कोविड के लिए आपने कहा था, कोविड के लिए क्या गाइडलाइन आई है? कोविड का दस्तक दिया कोविड ने, हमें उसका बचाव करना चाहिए, मास्क लगाने चाहिए, दूरी बना के रहना चाहिए, निरंतर गर्म पानी पीते रहने चाहिए, इम्यूनिटी पावर का इस्तेमाल किए इतना ज़्यादा हो सकता है। सर पॉलीथीन अभियान पर लगाम नहीं लग पा रही है? लग जाएगी।